वॉर विन स्ट्रीक हमने 13 तक पहुंचा दी थी, उसके बाद एक वॉर खेला गया जो ड्रॉ हो गया 150-150 स्टार पे। अब मेरे को लावा लून करने की चुल लगी है। कोई ड्रैगन अटैक नहीं होगा आज, कोई भाई साहब उठपटांग आर्मी नहीं होगी आज, होगा सिर्फ लावा लून अटैक और वॉर विन स्ट्रीक को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी 14 यानी कि 14। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। ब्लिज़ार्ड लावा लून करने के लिए जिस टैलेंट की जरूरत होती है उसमें से मेरे अंदर कोई सा भी नहीं है, पर मेरे अंदर एक दूसरा टैलेंट है जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और वो होती है चुल। वो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है भाई, चुल है मेरे लावा लून करने की, होए चना होए, रिजल्ट उसका चाहे जो मर्जी आए। तो एक किंग क्यों नहीं मर रहा, नहीं मर रहा तो भाड़ में जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। किंग उस तरफ जाना चाहिए और उसी तरफ जा रहा है। ब्रेकर किया जा चुका है, आइस गोलम डाल देते हैं यहां पे। और तो कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, चलने देते हैं थोड़ी देर अटैक। इनेबिलिटी लग गई है, इनेबिलिटी लगा देते हैं। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लावा लून करूं कहां से, सही बता रहा हूं आपको। अटैक तो ठीक है जो चल रहा है, पर चलो कहीं ना कहीं से करना ही है, इधर से ही शुरू कर देते हैं। भाई किधर करूं, क्या करूं, किधर डालूं बलून, और मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ में। चल अंदो अटैक उल्टा सुल्टा जैसे भी चल रहा है, क्वीन को बचा लेते हैं और हेस्ट डालते हैं, फ्रीज डालते हैं, हेड एंटर्स उतार देते हैं, एक और फ्रीज लगा देते हैं। सही चल रहा है उठपटांग जो भी चल रहा है, चलन दो, क्या बढ़िया उठपटांग अटैक चल रहा हमारा। यहाँ पे एडेंटर लगा दिए हमने, कुछ बलून्स अभी भी बचे हुए हैं मेरे। टाइम फेल तो नहीं हो जाएगा ये। अरे भाई तुक्के तुक्के में मेरा लावा लून फिट बैठ गया है, हालांकि हमें आता नहीं है पर कर लेना चाहिए कभी कभी। फिर आप कहते रहते हो मोगी भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन क्यों करते हो। अगले हमलावर यहाँ पे हमारे फ्लैश बाबूजी, इवेंट ट्रूप्स का इस्तेमाल करके मजा ले रहा है। ले ले भाई आरसी की एबिलिटी लगा दी है, ये वाले कंपार्टमेंट को टेक डाउन करने का प्रोसीजर चालू है। दूर से भाले फेंक फेंक के मार रहा है, वार्डन के ऊपर बम मारेगा, पक्का मारेगा भाई। रिकॉल कर लिया आरसी को, वेरी नाइस। वार्डन बम किधर मारेगा, मेरे को लग रहा है सीधा टाउन हॉल में मारेगा ये। वो लगा दी इनविजिबल, ये लगा दी इनविजिबल और ये गया वार्डन बॉम्ब। अरे भाई कोरम कोर उड़ा दिया, टीएच बच गया यहां पे। इनकी एबिलिटी अगर सीधी चली जाती तो टीएच भी आ जाता, क्योंकि ये जरा सी एचपी पे है, पर क्या इतनी बड़ी परेशानी क्रिएट कर पाएगा टीएच मालूम नहीं। एक रेज, एक फ्रीज, एक रिकॉल बची है जिसके अंदर आरसी बैठी हुई है रिकॉल में। अलब्रेकर आ गया, क्वीन की एबिलिटी ना चली जाए, मतलब क्वीन मर ना जाए, मर गई बेचारी यार, क्वीन नहीं मरनी चाहिए थी। इनकी एबिलिटी चली गई है, वार्डन जाके टाउन हॉल निकाल देगा क्योंकि टाउन हॉल के पास हेल्थ नहीं है। इधर का कंपार्टमेंट बचेला है, फिल्म चल दे लिया है आर्टलरी के लिए। 14 बलून्स बचे हैं, आरसी को
उतारने का समय हो चुका है, लेकिन ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आरसी के पास एबिलिटी नहीं है। आरसी का सहारा सिर्फ हीलर्स हैं, तो हीलर्स को बचा के रखना पड़ेगा। बलून्स काफ़ी सारे बचे हुए हैं अभी, और बेस में देखा जाए तो कुछ बचा ही नहीं है। जो यहाँ पे अभी डिफेंड कर सके, और मेरे को लग रहा है कि ये ना स्वैग करना चाह रहा है 14 बलून्स को, 14 डिग्री टेम्परेचर देके 14 बलून्स को स्वैग करना चाह रहा है। पूरी कोशिश कर रहा है भाई, पार्डन और आरसी के भरोसे ही पूरा अटैक छोड़ दिया है। पूरा सोच लिया इसने कि बलून्स स्वैग करके ही रहूँगा। आ गए, कर दिया, उड़ा दिया, कर दिया खरपतवार साफ। नेक्स्ट अटैक जो मैं करने वाला हूँ, ये भाई क्वीन चार्ज लावा लून करने वाला हूँ। इसका तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर जैसा कि मैंने आपको कहा, टैलेंट से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है चुल। चुल मुझे पूरी है ये अटैक करने की। चलो, ये टीज ने अपना काम कर दिया है, किंग को उतार देते हैं। टीएच कंपार्टमेंट तक जाना ही नहीं, चले जाएंगे तो ठीक है, ना भी जाएंगे तो मैं क्या ही कर लूँगा। इतना तगड़ा प्रो प्लेयर थोड़ी ना हूँ मैं कि जो चीज़ों को एकदम अच्छे से गाइड कर दूँ। पाल ब्रेक करने की कोशिश करी, वो भी फेल हो गया, यही होता है भाई अपने साथ। एक वॉल ब्रेकर तो हो गया है, टीज कर देते हैं यहाँ पे, विजन लगा देते हैं, इनविजिबल करके रेज कर देते हैं क्वीन को। अरे मेरे सारे स्पेल तो लगी गए, बचा तो कुछ है ही नहीं, और टीएच निकाल नहीं रही यार क्वीन, भगवान की कसम, ऐसे कैसे बात बनेगी। एबिलिटी भी लग गई है अब तो, टीएच निकाल ले, कहाँ जा रही है यार। ये तो अटैक भाई क्वीन की वजह से फेल हो रहा है, मैंने तो बहुत कोशिश करी, पर क्वीन यार जाने का ही नाम नहीं ले रही टीएच कंपार्टमेंट में। अब गई है बेवकूफ, वरना ये अटैक फेल हो जाता है इतनी तगड़ी क्वीन चार्ज के बाद भी। आप बताओ बस एक बार, इतनी तगड़ी क्वीन चार्ज देखी आपने मेरे से कभी? वोडन एबिलिटी भी लगानी पड़ गई है यहाँ पे मेरे को मजबूरी में। स्पेल बचे नहीं है, सारा काम बिगड़ गया यार मेरा। वहां पे अच्छा वाला अटैक चल रहा था, अच्छा वाला, कुछ नहीं बच रहा बेस में। अरे क्वीन को मत मार भाई, क्वीन को नहीं मरने दूंगा मैं, टाइम फेल होएगा अभी अटैक, ऐसा मुझे लग रहा है, क्या पता प्रॉपर फेल हो जाए। अरे देख के तो लग रहा है टाइम फेल ही होएगा, क्योंकि क्वीन बेचारी फंसी रह जाएगी यहाँ पे। एक आर्चर डालता हूँ, और वॉल ब्रेक कहाँ पे करूँ? वॉल ब्रेकर वहाँ तक जाएगा भी तो नहीं, अंदर तक नहीं जा रहा यार। क्वीन मेरी टाउनल निकाल लेती ना स्टार्टिंग में तो मज़ा आ जाता यार। क्वीन चार लावल उन मेरा फिट बैठ गया था, बताओ यार, मूड खराब हो गया मेरा, वहां से अटैक करने का मन नहीं कर रहा था जब क्वीन टीएच पे नहीं जा रही। अच्छा भला बढ़िया जमा जमा अटैक हो गया था, चलो कोई नहीं, टाइम फेल ही तो हुआ है, इतना तो सह लेंगे, है ना। पैराडॉक्स ओपी, और रे भाई साहब लेकर आ गया ये तो, वही 7 ड्रुइड लाया और साथ में लेकर आया है ये टीज। बढ़िया बढ़िया आर्मीज देखने को मिल रही हैं आज आपको, चाहे तो हम इनको इवेंट ट्रूप्स के साथ भी उड़ा सकते हैं पूरे बेस को, सबको, लेकिन उड़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके स्वाद की वजह से, ताकि आपको स्वाद आए अलग अलग अटैक देखने में, अलग अलग तरीके के। इसलिए मैंने क्लैन वालों को बोला हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट अटैक करो, थोड़ा सा मज़ा दिलाओ, बंदों को स्वाद आना चाहिए। तो ये टी लेकर आ गया ये बंदा, पर ये टी की वजह से हमारी पेटी ना बन जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल ब्रेक किया गया, गलत वॉल ब्रेक हो गया है, और वॉल ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, रास्ता खुला नहीं है हीरोज़ के लिए।
भाई रास्ता तो खोल ले, वॉल ब्रेक ही नहीं कर रहा यार वो, क्वीन को ऊपर डैमेज पड़ता जा रहा है। कब करेगा वॉल ब्रेक किंग, यहाँ पे दीवार तोड़ने में लगा हुआ है। क्वीन वहां पे टीएच कंपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रही है, टीएच कंपार्टमेंट में घुस भी गई है क्वीन। किंग को मार दिया जाएगा यहाँ पे, टीएच को निकाल लिया जाएगा क्वीन के द्वारा। भी बहुत बेस बचा है, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये बेस निकलेगा कैसे। किंग की एबिलिटी लगा दी है, दो येटीज इधर से हैं, दो येटीज अभी बचा के रखे हैं पता नहीं क्यों। एक स्केलेटन लगा दिया है, रेज बचा के रखी है, दो येटीज और लगा दिए है। तो को लग रहा थोड़ा येटीज यहाँ पे लगाने चाहिए थे ताकि ये वाला एयर डिफेंस आ जाता, बढ़िया रहता। एक फ्रीज है, रेज है, रेज लगाओ आरसी पे भाई, वेरी गुड, नाइस रेज। आरसी की एबिलिटी गो वेंट गोन, भाई आरसी मर ना जाए, आरसी मर गई तो अटैक फेल है ये तीनों के भी। आरसी को थोड़ी बस हो गया काम, क्योंकि थोड़ी देर बचे रहना जरूरी था। एक फ्रीज बची है, एक पॉइजन बची है, बहुत ही बढ़िया एक शानदार अटैक हमें यहाँ पे देखने को मिला, एकदम अति उत्तम स्वादितम। रोहन भाई साहब यहाँ पे उतरे हैं, ये क्या लेकर आया है, बम मार प्रतियोगिता। एक पूरा कंपार्टमेंट में बम फेंक के मार दिया। अभी बचे हैं कुछ चीजें, लो जी ये काम भी कर दिया। अब इधर बिलिम पिलिम मारेगा, ये पक्की बात है। किंग को घुसा दिया है आइस गोलम के साथ, उधर से वार्डन लगा हुआ है हीलर्स के साथ। किंग के ऊपर क्या जूते पहना रखे हैं क्या, नहीं जूते नहीं हैं, सिर्फ किंग है अकेला, और अकेले किंग ने आधी दुनिया को है पेला, ये बात आप जानते हो। निकाल देगा ये इस बेस का पूरा मेला। एडेंटर दौड़ रहे हैं वार्डन को मारने के लिए इलेक्ट्रोटाइटन के साथ, भाई पॉइजन लगा बचा ले वार्डन को। और इधर येटी मार दिया, आर्टिलरी में येटी मार दिया, भाई ये तो सर्जिकल अटैक कर रहा है। हर कंपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीजें लेकर आया है। उधर से क्वीन आ गई है, रॉयल चैंपियन आ गई है, दो स्केलेटन है, दोनों लगा दे भाई वहीं पे, लगा दिए पर थोड़ा लेट लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड स्केलेटन्स यहाँ पे क्योंकि अब परेशान कर रही हैं, क्वीन की एबिलिटी की धन्य हो गई है। इधर के कंपार्टमेंट को निकालने के लिए क्या लगेगा, उधर टीएस तो आ जाएगा, इधर इधर क्या लगाऊंगे, सात वो बचे हैं, फ्रीज बची हैं, टीएस तो आ जाएगा। मेरा मेन मकसद है ये, इधर क्या करें क्योंकि बारबेरियंस कम है। उधर नहीं देख रहा मैं टाउन हॉल को, इधर देख रहा हूँ, इधर तक आओ। अच्छा रॉयल चैंपियन आ गई है, भागी दौड़ी। रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी नहीं है पर दो फ्रीज हैं। अरे भाई फ्रीज तो स्वैग करेगा, ये इसे लगानी ही नहीं है। आप अटैक का लेवल देखो, आप बंदे कितने ट्रेंड हो गए हैं मेरे क्लैन के अलग अलग तरीके से पेलते हैं, ये भी सही है भाई, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। 96% टाइम फेल करके एक बार फिर से हिम्मत करके क्वीन चार लावा लून लेकर आ गया हूं मैं। उल्टा सुल्टा प्लान बनाया, इस तरह से काम करेगा मुझे नहीं पता, और क्या काम करेगा ये भी नहीं पता। बस चूल है, अपने आप को पता ही है, चूली बड़ी चीज है, क्वीन अंदर जानी चाहिए, टीएच यहाँ पे हमारा आना चाहिए। टीएच आ जाएगा, चीजें ठीक ठाक हैं अभी तक। ड्रैगन बड़ा डैमेज दे रहा है भाई, एक स्केलेटन लगा दिए, क्वीन पे रेज लगा देंगे,
ऑर्डन और आरसी उतार दिए। अरे यार सब कुछ सही हो रहा था, बोलू क्या बोलू मैं, फ्री स्वैग हो गई इतनी सारी देखी वहां पे। भाई मेरे तो किस्मत ही खराब है, कोई बहुत तगड़ा मनुष्य बैठा है, इतनी सारी फ्री स्वैग हो गई जबरदस्ती, एक भी स्वैग नहीं कर रहा था पर सारी स्वैग हो गई। क्वीन मरेगी मेरी बेचारी चक्कर में, अब क्या ही किस्मत है भगवान की कसम मेरी, तो कैसे मेरी फ्री स्वैग हो गई यार, ऐसी किस्मत कहां से आ गई है मेरी, कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उतार रहा था बलून और भाई आपको पता ही है क्या उतर गया, अब वो पूरा एक टेस्ला कंपार्टमेंट बचा हुआ है, कैसे ही टेक डाउन होएगा वो, यही सोच रहा हूं मैं, क्योंकि ग्राउंड स्केलेटन्स भी होंगी वहां पे। आरसी की एबिलिटी है पर क्या इतना डिफेंस निकाल पाएंगे, वो नहीं निकाल पाएंगे, किस्मत ही बुरी है। और निकल जाएगा लग रहा है, ओ भाई यार जबरदस्ती स्वैग हो गया, मैं कर नहीं रहा था भाई, दो पता नहीं दो या तीन फ्रीज गिर गई वहां पे, क्या हो रहा है यार ये। फ्लैश भाई साहब आ चुके हैं लट बजाओ प्रतियोगिता में, 10 मिनियन लेकर आए हैं, मुझे लग रहा वापस से कोर में मारेंगे भाई, ये बम फेंक के मारेंगे कोर में, नहीं मारेंगे कोर में, नहीं मारेगा कि क्वीन के पास वो तो है ही नहीं, एरो एरो के बिना कैसे तू बेस को लैरो। लिंगर लेकर आया, प्लान कुछ अलग है इस बार, पार्डन ये रहा, इनविजिबल लग चुकी है, दूसरी भी लग चुकी है, ज्यादा दूर नहीं मारा बम इस बार, बिल्कुल अपने टांट पे ही गिरा लिया है, पास में ही गिरा लिया है, यानी कि प्लान इस बार थोड़ा टेढ़ा है, पर टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है लैस भाई साहब, मेरे क्लैन का बंदा है, बढ़िया यहाँ पे डैमेज चल रहा है फ्लेम फ्लिंगर के साथ, पार्डन को बचाने के लिए इनविजिबल या रेज कुछ तो, अरे यार दो दो स्पेल क्यों लगा, एक ही स्पेल बहुत था, रेज लगाने की जरूरत नहीं थी, इनविजिबल लगा देता यार। एक तरफ से फ्लिंगर आ रहा है और एक तरफ से वार्डन जा रहा है, रेज लगा दिया एक और, चीजों को थोड़ा तेज करना चाहते हैं, क्वीन का डैमेज पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन क्वीन को निकाल लिया जाएगा, रीस कर दिया गया स्कैटर शॉट को भी, अरे उधर किंग की एबिलिटी जाते जाते बची है, अभी काम हो गया था यहाँ पे, लिंगर फटने वाला 100%, ओडन सही जा रहा है भाई, किंग की एबिलिटी लगा दी है, अभी तक देखा जाए तो पूरा बेस सिर्फ हीरोज के साथ ही निकाला जा रहा है, 60% ऑफ द बेस हैज बीन गोन ऑलरेडी विथ जस्ट हीरोज ओनली। रॉयल चैंपियन आ चुकी है और बल्कि भाई 80% बेस निकाल दिया, मतलब क्लीन अप ट्रूप्स का यूज कर करके ही ना 80% बेस उड़ा दिया, हालांकि मेरे को लग रहा है तीन नहीं होगा, अरे हो जाएगा, रेज बची हुई थी, मेरे को लगा रेज बची ही नहीं है, क्योंकि टाउन हॉल निकालने का एक आखिरी भारी भरकम काम बचा था, काफ़ी सारे बलून भी तो बचे पर उसको मैं गिनता नहीं हूँ गाइस, क्योंकि वो तो इसको स्वैग करने हैं, यूज़ तो करने ही नहीं है ना इसको, चूल्हे इसके भी गाइस, और आपको पता ही है टैलेंट से बड़ी चीज़ क्या होती है, चूल्हे है सबसे बड़ी चीज़ भाई, देखो बलून कैसे आ रहे हैं, टापेस बॉलर यहाँ पे गाइस बचे हुए थे और अपोनेंट के रैंक वन बेस के ऊपर भट्टा पेस लेकर आ गया हमारा वाला बंदा, बोलिंग कराएगा एकदम आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्कर पे यॉर्कर मारेगा, वाल ब्रेकर मारेगा, बेबी ड्रैगन मारेगा, ये बॉम्ब नहीं मारेगा,
इसको तो जरूरी है बचा के रखना आर्मी को। माता जी आ गई है हमारी, लगता है हमको चली गई हैं, आके वापिस आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पे भट्टा पेस बॉलर देख लेते हैं भाई। जंप आ चुकी है, पार्डन एबिलिटी लगा दो भाई, लगा दी भाई, सुन रहे तो मेरी। क्वीन टाउन हॉल कंपार्टमेंट में जानी चाहिए थी मगर गई नहीं, लेकिन नाइस फ्रीज। अट्टा पेस बॉलिंग भी चालू है, पेज बचा के रखी हुई है, लगा दी गई है, टाउन हॉल एक्टिवेट हो गया, अच्छी चीज नहीं है ये, नुकसानदायक चीज है भाई। अटैक फेल हो रहा है, ये तो अटैक फेल हो रहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है। क्योंकि मैंने सही बताऊं तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि अटैक फेल हो सकता है। ये तो बहुत गलत हो गया है, मुझे गुस्सा आ गया गाइस, एकदम गुस्सा आ गया, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आ चुका है गुस्सा। और इस वाले आईडी में गाइस मेरी यही वाली आर्मी बनी हुई है, तो मेरे को मजबूरी में करना पड़ रहा है ये अटैक। पर गुस्सा भी तो एक बड़ी चीज होती है, अब इसने दिलाया है तो भाई इसका हिसाब किताब भी तो करना पड़ेगा ना। क्यों गुस्सा दिलाया जब हम आराम से 3 स्टार मार रहे हैं बिना परेशान किए किसी को? Why this call away ready? ये बताओ, Why this call away ready? बस इस चीज का आंसर दे दो मेरे को, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऑर्डन एबिलिटी वेल चैंपियन भी लगा दिया मैंने, एडेंटर तो मेरे पास है ही नहीं, भूल ही गया मैं, एडेंटर नाम की चीज लानी भी होती है। दीवार तोड़ देंगे, सारी दीवार तोड़ देंगे, कोई दीवार छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारी आर्मी घूम रही है, घूमने दो, एक दो स्पेल तो स्वैग हम भी कर पाएंगे हमें लगता है। 2 रेस 3 फ्रीज बची हैं, ज्यादा स्वैग करने के चक्कर में जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए आरसी की एबिलिटी लगा देता हूं ताकि मोनोलिथ आ जाए। और अभी कोशिश करते हैं बचे हुए स्पेल स्वैग करने की, हालांकि टीएच बचा हुआ है, परेशान वाली चीज है टीएच, लेकिन हमारी क्वीन के पास एबिलिटी भी तो है। और इतने सारे बिग बॉयज भी तो आ रहे हैं, इनका क्या अचार डालूंगा मैं? तो एक रेज फ्रीज। यार भट्टा पेस बॉलर का अटैक फेल हो गया था ना, मेरे को बुरा लगा, और मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, लावलून तो हमने कर ही दिया, रगड़ तगड़ के किसको भी पेल ही देते हैं। आज का फाइनल अटैक लेके PSG और सुपर विच लेकर आ गया भाई ये तो। बॉम्ब मार प्रतियोगिता में अब बंदे नॉर्मल आर्मीज के ऊपर उतर आए हैं, तो मार दिया है, सीसी फाड़ दिया है, वैल्यू तगड़ी निकाली है भाई, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि वैल्यू में दम है। क्वीन आ चुकी है, रास्ता बना चुकी है, यहां से आर्मी आगे जाने के लिए वाल ब्रेकर लगा चुकी है PSG भाई साहब। और तो उड़ा ही दिया इसने ऐसे ही, पर मोनोलिथ के वहां पे आर्मी फंस गई है, सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने भी काफी डैमेज दिया है। रॉयल चैंपियन आ गई है, हेड हंटर है रॉयल चैंपियन के पास, एक उसकी हेल्प करेगा वो, लगा दे हेड हंटर भाई, रॉयल चैंपियन पे ध्यान ही नहीं दे रहा वो।
एडेंटर बचा के रख रहा है, पता नहीं क्यों रख रहा है। टीएच पे जा ही नहीं पा रही आर्मी यार, इसका अटैक फेल होएगा क्या? अटैक नहीं फेल होना चाहिए, बस बहुत हो गया, 150 स्टार मारो, ख़त्म करो इनको। हाँ बना दो। माता जी हमारी दोबारा आ चुकी हैं खाना पूछने के लिए, खाना खा लेते हैं भाई, इनको तो हम 150 स्टार मार के ही छोड़ेंगे, फार्मिन स्ट्रीक को ऊपर बढ़ाकर ही छोड़ेंगे। देखो वार हम हार नहीं सकते, सीधी बात है, या तो 150 स्टार पे टाई होएगा वरना हम जीतेंगे, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए ही नहीं हमको स्ट्रीक वॉर के अंदर। वैसे टीम मैंने रखी भी हुई है और वो तो इतना थोड़ा क्रिएटिव क्रिएटिव भी कर रहे हैं बंदे, वरना अगर फुल आर्मी उठपटंग आर्मी के साथ छोड़ दिया जाए तो ये तो कच्चा चबा जाएंगे किसी को पकड़ के, हैं भाई। पर चलो स्वाद भी तो जरूरी है, 1.5 घंटे का टाइम बचा है बेस के मतलब वॉर के अंदर, ऊपर के एक दो बेसिस बचे हुए हैं, बंदे वो ऑफलाइन चल रहे हैं, मेन बेसिस हमने उड़ा दिए, हमारे काफी सारे बेसिस डिफेंड कर रहे हैं, तो इन सारे बेसिस को उड़ा के ना बहुत जल्दी 150 स्टार मार दे जाएंगे 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि अब मैंने क्लैन वालों को बोल दिया भपेड़ दो लपेड़ दो, छोड़ो ही मत अब इनको, बस तो काम हो जाएगा इनका। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वॉर्मिस्टिक में बड़ी हुई दिखा दूंगा, फिलहाल अभी 13 पे है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी, बाय।